अस्सलाम वालेकुम आई टू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। भी पर मेरी ये आदत है कि मैंने जो है ना सुबह उठते ही जो है अपना फेस अच्छे से जो है वो अपने फेवरेट किसी भी क्लेंज़र से जो है वो अच्छे से क्लेंज़ कर लेना होता है, और उसके बाद जो है ना मैंने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र या टोनर अप्लाई कर लेना होता है। क्योंकि कराची में जो है ना वो थोड़ी सी लग रहा था कि ठंड आई फिर दोबारा से वही गर्मी, तो अभी जो है ना वो डी मॉइस्चराइजिंग का तो टाइम ही नहीं आया है। लेकिन जो दो टाइम जो है ना वो मेरा मशवरा है कि हर जो लेडी है ना हाउस वाइफ है ख़ास तौर पे, क्योंकि जो वर्किंग वूमेन होती है वो तो जाते जाते अपने अपनी केयर कर ही लेती है, लेकिन हाउस वाइफ जो है ना वो सुबह थक के उठती हैं, जल्दी में उठती हैं और रात को थक के सो जाती हैं, और उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो ज़रा अपने पे भी फोकस करें। तो उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपने मुंह पे पानी या वज़ू करने तो जाना ही होता है, या मुंह पे पानी फेंकने जाना ही होता है, तो जहाँ जैसे ही आपने मुंह धोया ना सिर्फ 2 मिनट लगते हैं कि आपने उसके ऊपर जो है ना वो कुछ ना कुछ लाजमी अप्लाई करना है। वो आप अपने वॉशरूम में ही रख लें अगर आपको ये दिक्कत आती है कि आप जो है वो कहाँ जाके ड्रेसिंग से उठाएं और लगाएं, तो अपने जो है वो दुपट्टे से अपना फेस वहीं पे वाइप करें और उसके बाद ऊपर कुछ अप्लाई लाजमी करें, क्योंकि आपको पहना ओढ़ा भी जब भी अच्छा लगता है कि जब आपकी जो है ना वो स्किन अच्छी हो। और अब मैंने सोच लिया कि मैं अपने हर व्लॉग जो मेरी डेली रूटीन है ना, मेरी रूटीन में जो ये शामिल है कि मैंने सुबह उठते भी कुछ अपने फेस पे अप्लाई लाजमी करना होता है मौसम के लिहाज से, और रात को सोते हुए, तो मैं ये आप लोगों को जो है ना वो अलार्म लगा दूँगी, खुद लगाया करूँगी तो आपका ये अलार्म लग जाएगा कि आपने जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो अपने जो है ना वो अपनी केयर करनी, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। और जब आपकी स्किन अच्छी होती है ना तो आपको पहना ओढ़ा भी अच्छा लगता है, और मतलब जब आपको पहना ओढ़ा अच्छा लगता है, आप खुद को अच्छा लग रहे होते हैं ना, कॉन्फिडेंस आप में खुद ही खुद आ जाता है। जहां आपको लगे ना कि आप थोड़े से अपने आप को डल फील करें, आप वहीं पे जाएं, जल्दी से अपना मुंह हाथ धोएं या शावर लें और जल्दी से जो है ना वो चेंज करके और ऊपर अपनी स्किन को कभी भी जो है ना वो भले मेकअप ना करें, हम मेकअप हर टाइम अप्लाई कर भी नहीं सकते, लेकिन अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र टोनर सीरम लाजमी अप्लाई करें, और जब बाहर निकलें तो लाजमी जो है ना वो अपने जो है वो सन क्रीम लाजमी, सन ब्लॉक, सन क्रीम जो भी अच्छी सी हो आपको सूट करती हो। हर स्किन जो होती है ना उस पर हर चीज़, हर स्किन टाइप डिफरेंट होती है, और जिसको हर चीज़ जो है ना वो हर एक को सूट नहीं कर रही होती है, तो जो आपको सूट करे वो आपने लगानी है और फिर जो है ना वो अपना काम करना है। अगर माशाल्लाह से हम एज अ मुस्लिम हमें 5 टाइम की नमाज पढ़नी होती है, आप सोचें कि अब जब आप सुबह फजर के बाद टाइम ही कुछ लगा लेते हैं ना, तो जोहर तक आपके मुंह पे कुछ ना कुछ जो है ना वो लगा होता है, तो उसके बाद आप कुछ ना भी लगाएं ना, एक रात को लगा लें और एक सुबह उठते ही, तो बकाया टाइम आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहती है। उसके साथ जो है ना खूब सारा पानी तो लाजमी आपको 1.5 लीटर 1.5 लीटर पीना ही चाहिए, और फिर जो है ना वो ये थोड़ी सी बातें हैं, आप अपना जो है वो ख्याल रखें, देन जो है वो अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और जब फिर हम कभी भी कहीं भी जाते हैं, कहीं कोई हमारे घर आता है, हम किसी के घर जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, किसी शादी पे जाते हैं, कहीं भी मतलब किसी इवेंट पे जाते हैं, खाने पे जाते हैं, तो हम जब हम अच्छे दिख रहे होते हैं ना अपने लिए, ज़रूरी नहीं हम दूसरों को, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। और जहाँ हम खुद ही डल अपने आप को मतलब अपनी पर्सनैलिटी को इंजॉय नहीं करते ना, तो वहाँ हमें एन्जाइटी और डिप्रेशन आने लगता है। तो बहुत बातें हो गई, बच्चे स्कूल चले गए, मियाँ ऑफिस चले गए, उसके बाद जो है ना वो मैंने क्लीनिंग की, चादरें वादरें ठीक की, और उसके बाद जो है ना वो मैंने ऐसे ही चलते फिरते जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि जहाँ मुझे हल्की सी भी डस्ट नज़र आए ना, मैं उसको वहीं पे जो है ना वो उसके साथ फिर 2-3 चीज़ें और भी साफ़ हो जाती हैं। तो बस यही मेरी जो है ना वो आदत होती है, थोड़े बर्तन पड़े थे वो धो दिए, काउंटर वगैरह साफ़ किया, चूल्हा साफ़ किया। तो आज जो है ना वो दोपहर में जो है खाने में थी फ़िश थी, जैसे कि अभी सीज़न आ रहा है तो इस मौसम से लेकर अगर आप विंटर तक जो है ना फ़िश को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो यकीन जाने आपके बाल भी अच्छे रहते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। फिर वही बात, क्या होता है कि जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में हमने गर्मियों के लिहाज से खाना होता है, और जब सर्दियां होती हैं ना तो हमने सर्दियों के लिहाज से खाना होता है। तो ये वाली फ़िश जो है ना वो रात को हस्बैंड के एक फ्रेंड के हाँ ये फ़िश पार्टी चल रही थी समझे, लेट नाइट, तो मेरे वो हस्बैंड जो है ना वो वहाँ से काफ़ी सारी तादाद उन्होंने मैरिनेट करके रखी हुई थी, बहुत मज़े की मैरिनेशन थी इनकी,
तो वो कोई 1.5-2 किलो जो है ना फ़िश वो मैरिनेट हुई हुई ले आए थे। अदरवाइज़ अब मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ, मैं क्या करूँगी कि फ़िश के जो है ना वो बड़े पीसेस के किया करूँगी, उनको मैरिनेट करके रख दिया करूँगी और 1-2 पीस ख़ुद भी लिया करूँगी और दोपहर में या रात में बच्चों को भी दिया करूँगी। तो ये अच्छा, ये वाली फ़िश भी बहुत अच्छी होती है। हमारे वहाँ पर ना करीबी हदीद है तो वहाँ पर एक कॉर्नर है, तो वहाँ पे ये वाली छोटी फ़िश मैरिनेट की हुई, अच्छा इसमें सिर्फ़ एक ही कांटा होता है, ज़्यादा कांटे इसमें नहीं होते, तो बहुत ही मज़े की मैरिनेट की हुई थी। और जो वहाँ कमर्शियल मिरी होती है ना वो ही सेम टेस्ट आ रहा था। तो मैं और नबीहा थे, तो मैंने और नबीहा ने और बच्चों के लिए, हस्बैंड तो गए चले थे ऑफिस, तो दोपहर में मैंने जितने हमें चाहिए थे ना पीसेस वो मैंने इसको हल्का सा ऑयल डाला था, ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने डाला था, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ऑयली चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से जब करते हैं, इससे भी कम जो है ना वो ग्रिल पैन में डाल के हम इसको ग्रिल टाइप कर सकते हैं हल्का सा ऑयल करके, तो फ़िश यकीन जाने आप सर्दियाँ सर्दियाँ जैसे एक छोटी फ़िश है ना, तो आप डेली एक अगर ले लें और साथ में जो है ना आप सैलड, जब तक ये फ्राई हो रही थी जब तक मैं जो है ना इसके साथ वापला अपना सैलड कट कर रही थी, थोड़ी सी एफर्ट खुद के लिए करनी चाहिए। और ये क्या होता है, जो वज़न कम करना चाहती है ना, मेरा तो खैर वज़न नहीं है क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं खाना जो है ना जी भर के एक ही टाइम खाती हूँ, दूसरे टाइम हल्का फुल्का कुछ ले लिया, ये नहीं कि बस खाती ही रहूँ। मतलब जैसे अभी मैंने ये फ़िश फ्राई की है और साथ में जस्ट मैंने ना काफ़ी सारा सैलड कट कर लिया है, अब जो है वो सैलड, इतना सा सैलड एक प्लेट और साथ में फ़िश मेरी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। इसके अलावा मैं दोपहर में ऐसे भी कर लेती हूँ, जो भी मेरा बना हुआ है ना उसके साथ मैं सैलड ले लेती हूँ। चावल भी अगर बने होते ना मुझसे वो ज़्यादा नहीं खाए जाते, मैं एक छोटी प्लेट से भी कम मुझसे खाए जाते हैं, क्योंकि जितना आप खाने भूख को बढ़ाते जाते हैं ना, नींद और भूख ऐसी होती है कि वो बढ़ती ही जाती है और फिर वो आपकी हेल्थ के लिए जो है ना वो अच्छी नहीं होती है। तो बस इस तरह से जो है ना वो मैंने सैलड लिया और फ़िश ली और बस खा ली दोपहर में। अच्छा ये रूटीन अगर आप रात के खाने में करते हैं ना, कि आपने रात में ना कोई चावल लिए, ना कोई रोटी ली, कोई बेकरी आइटम नहीं लिया, आप एक टिक्का ले सकते हैं, इस तरह की एक फ़िश ले सकते हैं, आपका जो भी सालन है आप वो ले सकते हैं, आप दाल का सूप बना के ले सकते हैं और इस तरह से सैलड बनाएं और इंजॉय करके खाएं, मतलब बगैर रोटी छोटी ब्रेड के, तो आपकी स्किन भी अच्छी, आप बहुत हेल्दी भी रहेंगे और आपकी जो है ना बाल भी अच्छे, आपका मोटापा सबसे अहम, कभी आप मोटे नहीं होंगे, बड़ी प्यारी बॉडी आपकी जो है ना शेप में रहेगी। तो ये हमारा तो लंच तैयार हो चुका था, ये मेरे और नबीहा ने जो है, एक नबीहा ने फिश ली और एक से ज़्यादा थोड़ी सी, और एक से ज़्यादा जो है ना वो मैंने ली और हम माँ बेटियों ने जो है वो लंच किया, बच्चों की बना के मैंने रख दी थी। अब बीहा को जो है ना फिश से है एलर्जी, तो उसके लिए चिकन पैटीज बनी पड़ी हैं, वो खा लेगी, वैसे भी वो लंच भी अच्छा खासा आज लेके गए हुए हैं, तो दोपहर में जो है ना वो लंच इस टाइप का होना चाहिए या फिर रात में जो डिनर है वो इस टाइप का होना चाहिए। और अगर अपनी लाइफ में आप जो है वो करते हैं कि आप जो है ना वो सिर्फ जो भी आपका बना आप सैलड के साथ खाएं, इसको इंजॉय करें, तो आप की जो आप फिज़िकल जो है ना वो बहुत फिट रहेंगे। तो मैं और नबीहा जो है वो बातें करते करते जो है वो यहाँ पे हमारा लंच चल रहा था और इस वाली फ़िश में जो है ना वो कांटे इतने नहीं थे, तो नबीहा जो है ना वो खुद ही बहुत एहतियात से, बच्चों को जो है ना मैंने सिखाया हुआ है कि फ़िश कैसे खाते हैं, असल में फ़िश को ना मसल लेना चाहिए हाथों से अच्छे से, फिर वो खा लेना चाहिए, फिर कांटे का कोई डर नहीं रहता है। अच्छा दोपहर का खाना खाने के बाद जो है ना वो मैंने जो जोशांदा जो है ना वो मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने चाय नहीं पी बल्कि ना उसकी जगह जोशांदा ले लिया। एक तो मौसम ऐसा चल रहा है उसके लिए बेहतर है, और दूसरी मैंने ना आजकल एक आदत अपनी बना रही हूँ कि मैंने ना चाय के बजाय ना ग्रीन टी ज़्यादा पीनी है, नाश्ते में चलो चाय पी ली या एक आध बार और पी ली, मैं बहुत चाय पीती थी, मतलब अब आप कहेंगे 2 बार तो पीती है, इतनी क्या पीनी, मैं बहुत ज़्यादा पीती थी, मैं दिन में 4-5-6 कप चाय के पी जाती हूँ, तो उसकी जगह मैंने अपनी रूटीन में आ रही हूँ कि मैंने ना या जो शानदार लेना है चाय की क्रेविंग हो गई, या उसकी जगह ग्रीन टी लेनी है। और ग्रीन टी और जो शानदे से आपका एक तो आपकी जो है ना वो बॉडी बहुत अच्छी रहती है, फिज़िकल आप बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहती है, फिर वही बात के वज़न कम होता है। और जो है ना इसको मैंने अपनी लाइफ में अभी अप्लाई कर रही हूँ, हस्बैंड भी और मैं भी, तो दोनों हम लोग जो है ना वो इसको लेके जो है ना वो चलेंगे इंशाल्लाह, अब चाय की जगह ग्रीन टी या जोशांदा, और जोशांदे के तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये मेरा आज का दोपहर तक का व्लॉग था,
आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।